इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर सिस्टम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। ओके, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स है। ओके, यहाँ पे देखिए इंक्लाइन फोर्स है 400 न्यूटन, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 600 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ पे एंगल 50 डिग्री दिया है और यहाँ पे 1200 न्यूटन का एक इंक्लाइन फोर्स दिया है 65 डिग्री। यहाँ पे 800 न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स दिया है। ओके, इस इंक्लाइन तीन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए इंक्लाइन मैंने किस तरह से किया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा है मैंने 300 न्यूटन, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, ये इंक्लाइन फोर्स को मुझे रिजॉल्व करना है 400 न्यूटन को। ओके, यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 30 डिग्री एक्स है, फिर बाद में इसको रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए 400 कॉस 30 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद ऊपर 400 साइन 30 डिग्री आएगा। ओके, उसके बाद ये जो इंक्लाइन फोर्स था वो टूवर्ड्स द पॉइंट था, मतलब इस पॉइंट के ऐसा मतलब पॉइंट पे था, तो एंगल 50 डिग्री दिया है और इसको हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद 600 कॉस 50 डिग्री आएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल को मैंने कॉस लिखा है और वर्टिकल को मैंने साइन लिखा है, यहाँ पे 600 साइन 50 डिग्री। फिर बाद में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो इंक्लाइन फोर्स था कितना था, 1200 न्यूटन का, एंगल कितना था 65 डिग्री था, तो एंगल 65 डिग्री तो इसको मैं रिजॉल्व करूँगा अवे फ्रॉम द पॉइंट है, तो अवे फ्रॉम पॉइंट के लिए देखिए 1200 कॉस 65 डिग्री, 1200 साइन 65 डिग्री, मुझे एंगल 65 डिग्री दिया था। तो समेशन एफएक्स हमारा फर्स्ट स्टेप, समेशन एफएक्स मतलब क्या होता है, फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनकी एडिशन करना। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं, 300 न्यूटन, 400 कॉस 30 डिग्री, 600 कॉस 50 डिग्री, 1200 कॉस 65 डिग्री, मतलब 1 2 3 4 चार हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, 300 प्लस कॉस 400 कॉस 30 डिग्री प्लस 600 कॉस 50 डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में जा रहा है 1200 कॉस 65 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए -1200 कॉस 65 डिग्री लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो एक्स रहता है वो नेगेटिव रहता है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे एक्स जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, इस तरफ से जो रहेंगे वो पॉजिटिव, इस साइड में जो रहेंगे वो निगेटिव। ओके, समेशन एफएक्स इक्वल टू इनकी मैं जब समेशन करूँगा तो यहाँ पे 524.941 न्यूटन मुझे कैलकुलेटर में आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए समेशन एफ वाई है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है कि जो वर्टिकल फोर्सेस है उनकी एडिशन करना, तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितना है 800 न्यूटन। ओके, यहाँ पे देखिए 400 साइन 30 डिग्री, ये वर्टिकल फोर्सेस है वो अपवर्ड में जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए 600 साइन 50 डिग्री, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। फिर उसके देखिए यहाँ पे 1200 साइन 65 डिग्री, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। समेशन एफ वाई 800 प्लस, फिर बाद में 400 साइन 30 डिग्री, तो 400 साइन 30 डिग्री। ओके, उसके बाद में देखिए -600 साइन 50 डिग्री, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, -600 साइन 50 डिग्री। उसके बाद ये -1200 साइन 65 डिग्री, मतलब देखिए डाउनवर्ड है, -1200 साइन 65 डिग्री, ये चारों के हम एडिशन करेंगे और मुझे कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू -547.196 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा समेशन एफ वाई। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है। रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला हमको पता है, क्या है आर का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमको दी है यहाँ पे 524.941 का स्क्वायर, फिर प्लस 547.196 का स्क्वायर, इसका मुझे आंसर निकालेंगे, तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू 758.278 न्यूटन, ये हमको कैल्सियम में पुट करने के बाद ये आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन थीटा, थीटा का फॉर्मूला क्या है, टैन इनवर्स मॉडुलस ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। ओके, राइट, फिर उसके बाद में देखिए समेशन एफ वाई की वैल्यू हमको पता है, समेशन एफ वाई कितना है 547.196, उसके बाद समेशन एफ एक्स कितना है
524.941 न्यूटन। तो ओके, तो मुझे ये वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 547.196, 524.94। उसका हम कैल्सियम में सॉल्व करेंगे मॉडुलस में। यहाँ पे देखिए, अगर आपका माइनस में समेशन एफ वाई भी रहेगा ना, तो मॉडुलस के बाहर वो पॉजिटिव होता है, तो एंगल हमेशा थीटा 46.189 डिग्री, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर बाद में थर्ड हमको पोजीशन निकालना है। पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं? समेशन एफ एक्स, अगर देखिए यहाँ पे समेशन एफ एक्स कैसा है, समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन एफ वाई नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और ये माइनस, और इसको हम रिजल्टेंट आर लिखेंगे 758.271 न्यूटन। ये हमने रिजल्टेंट फाइंड किया है यहाँ पे 758.278 न्यूटन। उसके बाद में एंगल थीटा 46.189 डिग्री। ओके, थीटा हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस समेशन एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड समेशन एफ वाई इज नेगेटिव, रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वार्टर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा आंसर हो गया। हमको पोजीशन फाइंड करने के लिए बोला था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोला था, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला था। ओके, ये हमारा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू।